नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VS ब्लॉक विथ नी वीडियो। आज की वीडियो में ट्रेन नंबर 12534 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। यह ट्रेन कब चलती है, कौन कौन से स्टेशनों पर रुकती है, कितनी देर रुकती है, इसमें आपको कौन कौन सी सुविधा मिलेगी, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे नए और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रेन के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से उत्तर प्रदेश के लखनऊ जंक्शन तक चलती है। यह पुष्पक एक्सप्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से सुबह 8:25 पर खुलती है, आपको अगले दिन सुबह पहुंचाएगी लखनऊ जंक्शन 8:40 पर। यह ट्रेन हफ्ते में सातों दिन चलती है। इस पुष्पक एक्सप्रेस को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से लखनऊ जंक्शन तक 1429 किलोमीटर के डिस्टेंस को पूरा करने में 24 घंटे 20 मिनट का समय लगता है। इस ट्रेन का एवरेज स्पीड 58 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। चलिए दोस्तों, मैं पुष्पक एक्सप्रेस के कोच के बारे में जानकारी देता हूँ। इसमें आपको 4 जनरल क्लास के कोच, 13 स्लीपर क्लास के कोच, 2 थर्ड एसी क्लास के कोच, 1 सेकेंड एसी क्लास के कोच, 1 फर्स्ट और सेकेंड एसी का कंपोजिट कोच और 1 पेंट्री कार का कोच मिल जाएंगे इस ट्रेन में। चलिए दोस्तों, मैं पुष्पक एक्सप्रेस के फेयर के बारे में जानकारी देता हूँ। इसमें आपको जनरल क्लास का पड़ेगा 335 रुपया, स्लीपर क्लास का है 605 रुपये, थर्ड एसी का है 1605 रुपये, सेकेंड एसी का है 2325 रुपये और फर्स्ट एसी का है 4000 रुपये। चलिए दोस्तों, मैं पुष्पक एक्सप्रेस के कैटरिंग के बारे में जानकारी देता हूँ। इसमें आपको पेंट्री कार ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी, लेकिन आपको इसमें अनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, मैं पुष्पक एक्सप्रेस के रूट के बारे में जानकारी देता हूँ। यह ट्रेन कौन से रूट से होकर जाती है, जैसे कि आपको वीडियो के शुरुआत में बता दिया था, यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई से खुलती है सुबह 8:25 पर। इसका पहला हॉल्ट होता है कल्याण जंक्शन, जहाँ पहुँचती है सुबह 9:10 पर। 9:13 पर खुलती ट्रेन 3 मिनट रुकती है। इसका दूसरा हॉल्ट होता है नासिक रोड, जहाँ पहुँचती है सुबह 11:42 पर। 11:45 पर खुलती है ट्रेन, 3 मिनट रुकती है। इसका तीसरा हॉल्ट होता है मनमाड़ जंक्शन, जहाँ पहुँचती है दोपहर को 12:38 पर। 12:40 पर खुलती ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका चौथा हॉल्ट था भुसावल जंक्शन, जहाँ पहुँचती दोपहर को 3:05 पर। 3:10 पर खुली ट्रेन, 5 मिनट रुकती है। इसका पांचवा हॉल्ट था खंडवा जंक्शन, जहाँ पहुँचती शाम को 5:12 पर। 5:15 पर खुली ट्रेन, 3 मिनट रुकती है। और इसका छठा हॉल्ट था इटारसी जंक्शन, जहाँ पहुँचती है शाम को 7:20 पर। 7:25 खुलती है ट्रेन, 5 मिनट रुकती है। इसका सातवां हॉल्ट होता है हबीबगंज, जहाँ पहुँचती है रात को 8:41 पर। 8:43 पर खुलती ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका आठवां हॉल्ट होता है भोपाल जंक्शन, जहाँ पहुँचती है रात को 8:55 पर। 9:05 पर खुलती ट्रेन, 10 मिनट रुकती है। इसका नवा हॉल्ट होता है ललितपुर जंक्शन, जहाँ पहुँचती है रात को 12:32 पर। 12:34 पर खुलती ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका दसवां हॉल्ट होता है झांसी जंक्शन, जहाँ पहुँचती है रात को 1:50 पर। 2 बजे खुलती ट्रेन, 10 मिनट रुकती है। इसका 11वां हॉल्ट होता है औरई, जहाँ पहुँचती है रात को 3:51 पर। 3:53 खुलती ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका 12वां हॉल्ट होता है कानपुर सेंट्रल, जहाँ पहुँचती है सुबह 6:50 पर। 7 बजे खुलती है ट्रेन, 10 मिनट रुकती है। इसका 13वां हॉल्ट होता है यूनियन जंक्शन, जहाँ पहुँचती है सुबह 7:22 पर। 7:24 खुलती है ट्रेन, 2 मिनट रुकती है। इसका 14वां लास्ट हॉल्ट है लखनऊ जंक्शन, जहाँ पहुँचती है सुबह 8:40 पर ट्रेन।